हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं विभू की कटिंग करवाने के लिए। बहुत ही बड़े बाल हो गए उसके, बट और पहली बार वो शॉप पे जाएगा, बार शॉप पे जाएगा। और कटिंग करवाने में क्या प्रॉब्लम आएगी वो हमको पता है, लेकिन लेट्स सी, उसकी कटिंग करवाते हैं, बाल बड़े हो गए हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। करते हुए कैसे करवा रहे हैं हेयर कट बीबी? बीबी का न्यू हेयर कट, वाओ, ये तो बड़ा सुंदर बॉय लग रहा है, बड़ा क्यूटी पाई लग रहा है। ये तो गुड बेबी है, गुड बेबी है। ये देखो कैसे पकड़ा है, कैसे हेयर कट, लोई लोई करती है, लोई लोई गंदी बेबी, ये गंदी बेबी लोई लोई करती है। वो सच में बताऊं, विभू की कटिंग करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत रो रहा था वो। लेकिन वो ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं डाली है, बहुत ज़्यादा रोने की हल्की सी डाली, जब थोड़ा चुप था तब की वीडियो डाली। लेट्स गो एंड चेक आउट दैट हाउ विभू इज लुकिंग। ये देखिए विभू की मास्क कटिंग हो चुकी है, एकदम मस्त कटिंग। ये मैच चली रहा आज फाइनल आईपीएल का। विभू अपने चाचू को बोल रहा है कि रिमोट दो और मेरे को मैच नहीं देखना, मुझे कार्टून देखना है। ओले कुल कुल मार, एक बारी और, ओले ओले पाई गया, अप्पी पाई गया, फूनी खानी फूनी पूनी कहा जी, क्या चाचू दिया दे तीजो कार्टून दिखना है, चाचू कार्टून दिखना नहीं दिया दे तीजो है बीबू, कार्टून दिखना रिमोट वाला दे पहल कांदा जा, रिमोट दे रिमोट दे दे रिमोट दे दे रिमोट दे दे मैं लगांदा ओ ले ओ बच्चा ओ बच्चा तो पूनी ओले काले पूनी काले काले पूनी। वो चलते दशहरे के लिए चलना है। नहीं यार आप जाओ। क्यों? मैं तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा। तबीयत नहीं है ठीक है, कल तबीयत ठीक हो जाएगी, तो जाएगी तो तब हो जाएगी तबीयत ठीक। हैं क्या खाना है? मोमोज मोमोज ही खाते हैं मीरपुरी ये। और क्या खाएंगे? चाउमीन खा लेंगे, गोलगप्पे खा लेंगे। तो जी मार्केट आ चुके हैं हम, और चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर जो है रावण का पुतला बनाया जाता है, ग्राउंड में, बॉय स्कूल ग्राउंड में। वहाँ पर चलते और देखते हैं कितना बड़ा पुतला बनाया गया है। ओहो, मुझे लग नहीं रहा यार इस बार आप जला रहे हैं, दिख ही नहीं रहा किधर। अच्छा अच्छा है नहीं, इस बार नहीं जला रहे हैं, है ना अंकल जी? जला रहे हैं इधर कहीं पे? नहीं। अच्छा अच्छा, तो गाइस ड्यू टू करोना जो है इस बार जो है रावण का पुतला नहीं जला रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है, हमारे ध्यान में ही नहीं रहा, बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहा कि ड्यू टू करोना जो रावण का पुतला नहीं, कुछ जगहों पे जलाया है लेकिन हमीरपुर में नहीं जलाया है, जो कि अच्छा डिसीजन है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं वही सोच रहा था कि मार्केट में इतना रश क्यों नहीं है आखिरकार। ये है वो जगह जहाँ से हम गए थे वॉय स्कूल ग्राउंड के लिए, बट चलो कोई बात नहीं, मार्केट ही घूम लेते हैं।
ओके गाइस, अभी का ब्लॉग हम आज का ब्लॉग जो है एंड करते हैं। आज मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।